सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे टेस्टी क्रिस्पी पालक सेव। ये सेव खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है। जितनी टेस्टी है उतनी ही बनाना आसान है। जल्दी से आप इसे टी टाइम के लिए बना सकते हो और आपको पिकनिक के लिए जाना है तो जल्दी से आप बना के लेके जा सकते हो। आप इसे दिवाली के समय भी बना के खा सकते हो। तो चलिए देखते है क्रिस्पी पालक सेव बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। पालक सेव बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप बेसन, 50 ग्राम पालक, इधर मैंने 50 ग्राम पालक धो के लिया है, 4-5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 5-6 हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते। हरा धनिया और पुदीने के पत्ते ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल दीजिए। 1 चम्मच जीरा पाउडर, टेस्ट के लिए नमक और 1 चम्मच लेमन जूस। और हमें चाहिए फ्राई करने के लिए तेल। इधर मैंने मिक्सर की जार ली है, इसमें पालक डाल लेते हैं। पालक को मैंने धो के लिया है। हरा धनिया डाल लेते हैं, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक पीसना है, तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो इसी तरह से पालक को मैंने पीस के लिया है, बहुत अच्छी तरह से स्मूथ पीसा है, लेकिन हम इसे छलनी की मदद से छान लेंगे। इस पालक प्यूरी को छलनी की मदद से छान लेते हैं। तो इसी तरह से पालक प्यूरी को मैंने छान के लिया है। इधर बेसन लिया है, इसमें जीरा पाउडर डाल देते हैं, टेस्ट के लिए थोड़ा नमक, लेमन जूस, आप लेमन जूस के अलावा थोड़ी आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, और ये पालक प्यूरी मिलाते हैं इसे। देखो ये थोड़ा पतला दिख रहा है, तो मैं इसमें और थोड़ा बेसन डाल रही हूँ, लगभग 2-3 चम्मच इसमें बेसन डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें कुछ भी लम्स नहीं होनी चाहिए। थोड़ा तेल डाल देते हैं 1 चम्मच, मिलाते हैं तेल को। तो देखो इसी तरह से ये बैटर बनना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं है और एकदम गाढ़ा भी नहीं बनना चाहिए। बैटर पतला हुआ तो सेव अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगी, और बैटर गाढ़ा हुआ तो सेव मेकर प्रेस करते समय दिक्कत होगी। तो इसी तरह से सेव बनाने के लिए बैटर तैयार है। इस बाउल में मैंने थोड़ा तेल लिया है और सेव बनाने के लिए सेव मेकर। सेव बनाने के लिए हमें इसी तरह की चाली चाहिए, छोटी वाली। सेव मेकर को तेल से ग्रीस करेंगे और इस चाली को इसी तरह से रख के तेल से ग्रीस करके सेव मेकर को क्लोज करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बैटर। इसे क्लोज करेंगे और इसे ऊपर की तरफ से इसी तरह से दबा के हम सेव बनाएंगे। चलो अब सेव बनाते हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है, चेक कर लेते हैं। तेल अच्छी तरह से गरम हुआ है। इसी तरह से ऊपर से प्रेस करके गोल घुमा के हम सेव बनाएंगे। और सेव को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक तलेंगे। इसे दूसरी साइड से पलट लेते हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से खिली खिली ये सेव बन गई है। जो बबल्स दिख रहे हैं, बबल्स खत्म होने के बाद ही हम सेव को निकालेंगे। तो इसी तरह से सेव तल के तैयार है। सेव को एक पेपर टॉवल के ऊपर निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी सारी सेव बनाएंगे। बहुत ही अच्छी टेस्टी क्रिस्पी ये सेव बन जाती है। चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप इस सेव को एयर टाइट कंटेनर में भर के 15 से 20 दिन तक खा सकते हो। खाने के लिए बहुत ही टेस्टी कुरकुरी इसी तरह से पालक सेव बनके तैयार है। चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए।
आप भी चलो इसी तरह से पालक से बनाइए खाए। आई होप आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।